प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, अपनी ही पार्टी के नेताओं को भूले। पूर्व मुख्यमंत्री के पैर पड़ने, कार्यकर्ताओं में मची रही होड़। टिकट के चाहने वालों ने प्रस्तुत की अपनी दावेदारी। संगत से पंगत कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पंजे पर वोट देने की दिलाई शपथ। शिवराज सिंह पर लगाए दिग्गी राजा ने गंभीर आरोप, प्रेस वार्ता में दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दमोह पहुंचे। वे देर रात यहां पहुंचे थे। सुबह उन्होंने शहर में स्थित रानी अवंतीबाई, महाराणा प्रताप एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, परंतु वे अपनी ही पार्टी के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को भूल गए। तूफान टीवी ने जब इन दोनों प्रतिमाओं का जायजा लिया तो उन पर पुरानी माला ही चढ़ी पाई। दिग्विजय सिंह के आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के बीच उनके पैर पड़ने की होड़ लगी रही। पैर पड़ने वालों में न सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता बल्कि महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। दरअसल श्री सिंह के आगमन पर मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में
टिकट की चाह रखने वाले नेताओं ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। यहाँ पैर पड़ने के नज़ारे देखने को मिले। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एकता यात्रा लेकर दमोह आए हैं। एकता यात्रा में प्रत्येक जिले की तरह दमोह जिले में भी संगत से पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथ में बैठकर भोजन करते हैं, साथ ही उनको स
संकल्प दिलाया जाता है कि वे केवल पंजे पर ही वोट करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आगमन पर टंडन निवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियां बताईं। साथ ही उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उनका कहना था कि आज यदि प्रदेश में बिजली की स्थिति सुधरी है तो उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कारण ही सुधरी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने का आरोप भी लगाया। इस पत्रकार वार्ता में विभिन्न विषयों पर पत्रकारों से चर्चा भी की। इससे $50 प्रति बैरल होगा, यानी हर बैरल पे 80 से 100 डॉलर कम हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने
केंद्र सरकार की सेंट्रल एक्साइज का ड्यूटी बढ़ा दी, पेट्रोल पर 211% ड्यूटी बढ़ी, डीजल पर 440% ड्यूटी बढ़ी है, 10,00,000 करोड़ 4 साल में इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, पैसा कहाँ गया। मध्य प्रदेश सरकार 24 रुपया प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है डीजल पर, 24 रुपया प्रति लीटर। अब यही टैक्स अगर वापस कर दे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, किसानों को सस्ता हो जाएगा, किसान परेशान है, जैसा कि संजय जी ने बताया। ये सब बातें आपके सामने हैं, ये सब बातें आपके सामने हैं, इसलिए हम लोग समन्वय के लिए आए। जनता में भाजपा के प्रति बेहद नाराजगी हो, हमसे एक ही बात कहते भैया कांग्रेस से उनको एक कर दो, सरकार अगुवाई कर रहे हैं, अक्सर कांग्रेस को इकट्ठा कर रहे हैं, आप सबका सहयोग, धन्यवाद। प्रश्न पूछो। मध्य प्रदेश में महिला मध्य प्रदेश में महिला अपराधों में पूरे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, कांग्रेस ने अभी तक इस मामले को क्यों नहीं उठाया? अरे सब जगह उठाया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, विधानसभा उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, आप लोगों के सामने उठाया, यात्री पूरी निकाल दी तो ये मुख्य न्याय यात्री पूरी सबसे पहला काम क्या मिलना चाहिए सरकार बनने के बाद कांग्रेस का सबसे पहला काम होगा किसानों का कर्जा माफ, राहुल गांधी जी ने कहा है, लेकिन वो कर्जा भी जो ड्यू किसान है उनको भी और ओवर ड्यू किसान दोनों का कर्जा माफ किया जाएगा। हम विधान की शिकायत थी टेंडर को लेकर, ही टेंडरिंग को लेकर आज बीजेपी उसको सीबीआई में शिकायत दर्ज करने गई कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन्हें जो अपने पत्र सौंपे थे उनसे कुछ सिद्ध नहीं हुआ, वो ठीक कहे ना न्याय अदालत में, हम अदालत में लड़ेंगे, प्रमाणित करेंगे। देखो दिग्विजय सिंह को डरा ले अदालत से, दिग्विजय सिंह डरने वाला नहीं है, जितने केस लगाना लगा राहुल गांधी जी आ रहे हैं वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शपथ दिला रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे, तो क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बेजी नहीं याद करते हैं जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कांग्रेस आप जगह जगह जा रहे हैं शपथ दिला रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं। दमोह विधानसभा से 4,000 से 6,000 के बीच में आपका कैंडिडेट हारता है, तो क्या कारण है आप बताइए, लोकल है आप बताइए, जैन समाज की वोटों पे सेंध क्यों नहीं लगा पा रहे आपके आदमी, आप बताओ ना राय मशवरे तो कान में फूक जाओ क्या। तो समन्वय यात्रा को कितनी सफलता मिल रही है, कितने जिलों में आप गए हैं समन्वय? हम 7वां जिला है जी, और आपको बुंदेलखंड के लोग हो, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह सब जिले होया है, विदिशा, रायसेन भी होया है, पता लगा दी